now we are in front of Jeep Compass Limited 4x4. This is the topmost variant in Jeep Compass. Now you can see the front grille, which is uniquely designed. This front grille is the heart of Jeep Compass. ये Jeep Compass का एक uniqueness है जो front grille है. The next thing that you come across is its DRL lamps with projector headlamps, and you can see the car have fog lamps also, and very high ground clearance. Next thing that you see in car is its high tread tires, जिसके tires इस tire के tread बहुत ज़्यादा हैं, सारे के सारे एकदम tire नए लगे हुए हैं गाड़ी में. Firestone के tire हैं, बहुत ही अच्छा uniquely designed alloy लगा हुआ है कार में. आप Compass की branding यहाँ देख सकते हैं, और कार में side panel में आप देखेंगे एक छोटा सा यहाँ पे key दिया हुआ है. ये की कीलेस एंट्री के लिए है. ये इसको बस आपको होल्ड करके कार के अंदर एंट्री कर लेना है. आप रेयर टायर भी देखेंगे, सेम उसी क्वालिटी का 4x4 रेयर टायर मिल जाएगा आपको. आप व्हेन यू सी द बैक प्रोफाइल ऑफ द कार, इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल. यू कैन सी अ DRL लैम्प हियर, एंड इट इज़ टोटली LED. आप यहाँ पे लिमिटेड की ब्रांडिंग देख सकते हैं. ये जीप Compass जो मैन्युफैक्चरर है जीप, उसकी ब्रांडिंग आपको मिल जाएगी. कार में एक आपको रेयर डिफॉगर मिलता है, रेयर वाइपर मिलता है, रेयर डिफॉगर मिलता है, और पीछे ब्रेक लाइट्स मिलती हैं विद स्पॉइलर. यहाँ पे आपको 4x4 ऑल व्हील ड्राइव, 4x4 जो आप बोल लीजिए उसकी आपको ब्रांडिंग मिल जाती है. कार में आप देखेंगे तो बूट स्पेस आपको देखेंगे आप कार में तो बहुत ह्यूज बूट स्पेस है. आप अलॉय व्हील देखेंगे तो टोटली अनयूज्ड स्टेपनी आज तक यूज़ नहीं की गई है, और बहुत बड़ा ह्यूज बूट स्पेस है कार में. तो कॉन्ट्रास्ट की सीट मिल जाएंगी आपको. कार का कलर ये बहुत ही ज़्यादा यूनिकली डिज़ाइंड है. ये सीट्स जो हैं ये ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल के साथ हैं, यानी कि ये ब्रीदेबल सीट्स हैं. इसमें बैठ के आपको सीट में कभी भी बहुत ज़्यादा स्वेट नहीं आएगा, ये ब्रीदेबल सीट्स हैं. पीछे आपको एक रेयर एसी वेंट मिल जाता है, और ये जीप के ओरिजिनल ब्रांडेड मैट्रेस है. ये मैट्स जो हैं ये जीप के ओरिजिनल ब्रांडेड मैट्स हैं, तो बहुत ही महंगे मैट्स हैं ये, जो आपको इस कार में प्री इंस्टॉल्ड मिल जाएंगे. आप कार में देखेंगे तो चारों पावर विंडोज़ हैं. ये अगेन जो फ्रंट सीट्स हैं, ये फ्रंट सीट्स आपको क्लाइमेट कंट्रोल के साथ मिलती हैं. बहुत ब्यूटीफुल आपको डैशबोर्ड मिलता है. नेविगेशन स्क्रीन में आपको नेविगेशन, मेन्यू, ब्लूटूथ कंट्रोल सब मिल जाता है. टच स्क्रीन पैनल है. इसके बाद आप देखेंगे तो लेदर अपहोल्स्ट्री के साथ आपको स्टेयरिंग मिलता है. ये लेदर स्टेयरिंग है, जो कि ग्रिप बहुत अच्छा देता है आपको. इसके बाद आप देखेंगे जीप की ब्रांडिंग है इस पर एयरबैग के साथ. गाड़ी में एयरबैग आते हैं, और यहाँ पे आपको स्टेयरिंग के कंट्रोल्स मिल जाते हैं. जिससे आप अपना मीडिया कंट्रोल कर सकते हैं. गाड़ी पुश बटन स्टार्ट है, तो यहाँ पे आपको पुश बटन का बटन मिल जाता है. जैसे ही आप इसको ब्रेक्स दबाते हैं बटन को, गाड़ी आपकी स्टार्ट हो जाती है. ये देखिए गाड़ी आपकी स्टार्ट हो गई, और जो स्क्रीन पे सबसे पहले आप देखेंगे वो जीप की ब्रांडिंग दिखेगी आपको. कार में आप देखेंगे रिवर्स असिस्ट कैमरा है. यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको ये एंटी रिफ्लेक्शन मिरर मिल जाएगा, यानी रात को आप बिल्कुल भी आपको गाड़ी में ग्लेयर्स नहीं मिलेंगे.
आप बहुत इजीली ड्राइव कर सकते हैं गाड़ी। आप स्पीडोमीटर पैनल देखेंगे अगर, तो यहाँ पे आपको ओडोमीटर मिल जाएगा। कितना गाड़ी चला है? गाड़ी 39,000 किलोमीटर चला हुआ है। ओके। ये आपको टेम्परेचर दिखाता है कार का, और ये आपको RPM दिखाता है। ठीक है। आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको विंडो सीट्स मिल जाएंगे, विंडो बटन्स मिल जाएंगी, और कार को लॉक और अनलॉक करने का ऑप्शन मिल जाएगा आपको। ठीक है। इसके अलावा आप गाड़ी में सब कुछ है जो एक प्रीमियम कार से आपको चाहिए होता है, यानी कि एयरबैग, ABS, EBD, सब कुछ है गाड़ी में। लगभग 23 लाख रुपए का इसका टॉप वेरिएंट आता है, जीप कंपास लिमिटेड 4x4। ओके। 2018 की कार है ये, जिसका आप इंटीरियर देख सकते हो, बहुत ब्यूटीफुल इंटीरियर है, एकदम न्यू इंटीरियर है, बहुत वेल मेंटेन्ड कार है। मेंटेन इतने अच्छे से की गई है कार को कि कार में स्क्रैच नहीं मिलेगा आपको एक सिंगल। ऑटो पार्किंग के साथ आती है गाड़ी। मैनुअल गियर मैनुअल है कार के, क्योंकि 2018 में ऑटोमेटिक गियर था ही नहीं जीप कंपास में। ओके। हम यहाँ से पुश बटन करेंगे तो गाड़ी ऑफ हो जाएगी। तो कार इज़ फुल ऑफ फीचर्स। इसके स्पीकर ग्रिल्स बहुत अच्छे हैं, कार में स्टीरियो क्वालिटी बहुत अच्छी है। okay. और कार आपको हर चीज़ देती है जो आप कार से मांगते हो, यानी कार का एवरेज बहुत अच्छा है, कार का जो सर्विस कॉस्ट है, सर्विस कॉस्ट भी बहुत कम आती है। ठीक है, अभी जान लेते हैं इसका प्राइस। ये कार आपको केवल और केवल 2018 की कार है, जैसे मैंने आपको बताया 23.5 लाख 24 लाख के आसपास की आपको ऑन रोड पड़ती है। अभी लगभग दो साल भी नहीं हुए कार को पूरे, और कार आपको लगभग बोल सकते हैं 40% डिस्काउंट पे मिल जाएगी। 40% डिस्काउंट जी, यानी मैं 15 लाख की लगभग ऑफर कर रहा हूँ गाड़ी। तो 15 लाख में न्यू कार आ जाएगा। हाँ, 15 लाख में एकदम आपको न्यू कार मिल जाएगी 2018 की।